छह सूत्री मांगों को लेकर ऑटो कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। शहर के बाहरी इलाके के मरीजों को डीजल वाले ऑटो रिक्शा से नगर निगम में घुसने की अनुमति देने समेत छह सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले ऑटो चालकों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान ऑटो चालकों को हो रही कठिनाई पर रोशनी डाली गई। धरना को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एआर अनु ने कहा कि हम लोग डीजल से चलने वाले तीन पहिया वाहनों पर रोक का विरोध नहीं करते हैं। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2023 से शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली ऑटो वाहनों पर रोक लगा दी थी। इसका विरोध संघ नहीं करती है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि डीजल गाड़ियों पर बैंक का लोन बकाया है, उसका निदान किया जाए। इसके अलावा ऑटो चालकों को गाड़ी बदलने की राशि की समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर ध्यान देते हुए जीरो बैलेंस पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही शहर के भीतर सीएनजी पंप की व्यवस्था कराई जाए एंड बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था हो। इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ठोस कदम उठाए और हम लोग प्रशासन के निर्णय को मानने के लिए तैयार है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग जिला प्रशासन के पास अपने चालकों के साथ पैदल मार्च के माध्यम से आए हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन का माध्यम है के द्वारा जिला प्रशासन को यह सूचना देना चाहते हैं कि पिछले 1 अक्टूबर से आपने हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया। अचानक हमारी गाड़ियों को डीजल चालित जो गाड़ियां थी उसको बंद कर दिया। बंद होने से 9000 टेम्पू चालक भुखमरी के कगार पर है। हमारा जिला प्रशासन से मांग है कि आपके सभी नियम कानून को हम लोग पालन करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरीका से जो आपने कानून लाया है ये बिल्कुल वैध नहीं है। आप पुनः विचार करें, पहले हम लोगों के गाड़ियों को बंद करने से पहले हम लोगों को मुआवजा दें। शहरी क्षेत्र में कहीं कोई सीएनजी पंप नहीं है, कहीं बैटरी चार्ज करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, तो फिर ये अचानक गाड़ियों को बंद करने का क्या सेंस है? हजारों लोग बेकार हो गए, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, टेम्पू चालकों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। तो आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से जिला समाहर्ता को ये बताने आए हैं कि आप इस पर पुनः विचार करें और विचार करके हम लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके बाद गाड़ियों को बंद करने का निर्णय लें। और भी हमारी कई मांग है, स्टैंड से संबंधित है। स्टैंड नहीं है, जहां तहां हमारी गाड़ियां लगती है, पुलिस पकड़ के तंग कर रहा है। आप इसकी व्यवस्था करें। जब हम पिछले कई सालों से आपको स्टैंड के संबंध में सूचना दे रहे हैं, आप स्टैंड की व्यवस्था करें। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अचानक हो गया कि भाई शहरी परमिट मिलेगा, शहरी परमिट के नाम पर लूट मचा हुआ है। हमारा कहना है कि इस तरह से मनमोजी शहरी परमिट का परमिशन किसी को न दे, बल्कि संघ से व्यवस्था करके बात करके जो हमारे चालक शहरी क्षेत्र के अगल बगल के हैं, जो शहर में गाड़ी चलाएंगे, उनको परमिट दे, न कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर वाले को अवैध रूप से परमिट दे के काला धंधा करेंगे। इसलिए हम आज अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहर्ता के समझ आए हैं कि हमारी मांगों पर पुनः विचार करें और विचार करके इसका निदान करें। हम लोग बिहार सरकार और जिला प्रशासन जिला समाहर्ता महोदय के समक्ष जो है अपना दुख व्यक्त करने आए हैं कि सर 1 अक्टूबर से जो डीजल गाड़ी आपने बंद किया है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था आपने बंद किया है, इस पर पुनः आप विचार कीजिए। हम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के जिला समाहर्ता के समक्ष पैदल मार्च के माध्यम से धरना स्थल पर भी हम लोग बैठने का आज काम करेंगे और अपनी मांगों को जो है उनको बताने का काम करेंगे कि बिना वैकल्पिक सर मुजफ्फरपुर में सीएनजी का व्यवस्था नहीं है, चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था नहीं है, स्टैंड का व्यवस्था नहीं है, शहरी क्षेत्र में जो है गाड़ी की सवारी कहाँ उठाएगा कहाँ बैठाएगा उसके लिए व्यवस्था नहीं है। सर टेम्पो चालकों की दर्द को आप समझे और उसकी कठिनाइयों को आप दूर करें, यही सब मांगों को लेकर के और बिहार सरकार के खिलाफ में हम लोग 7 दिनों तक काला दिवस मनाने का काम किया है और आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला समाहर्ता के महोदय के समक्ष हम लोग जो है अपना ज्ञापन सौंपने देने का काम करने के लिए आए हैं। अगर यहाँ तक के बात नहीं सुना जाएगा, आगे हम लोग आबाद आंदोलन करने का जो है